तो आज के इस वीडियो का टाइटल होने वाला है टॉप 10 सेफेस्ट कार्स इन इंडिया, जिन्हें ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिला है। तो एडल्ट में तो सबको पता है 5 स्टार मिला है, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स में कितने स्टार और एक्चुअल पॉइंट्स कितने स्कोर किया है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि पहले की चार गाड़ियाँ दो सिस्टर कंपनीज़ की है, स्कोडा और फोक्सवैगन। अब सभी को पता है ये दोनों सिस्टर कंपनीज़ है, इनके गाड़ियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी होती है और सिमिलर फीचर्स मिलता है इसमें, बिल्ड क्वालिटी भी सिमिलर मिलता है। तो पहले दो गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं, वो स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस। दोनों ही सेडान है, एडल्ट सेफ्टी रेटिंग्स में 5 स्टार मिला है इन गाड़ियों को और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स में भी 5 स्टार मिला है। अब बात करते हैं पॉइंट्स की। तो एडल्ट डॉक्यूमेंट में 29.71 आउट ऑफ 34 और चाइल्ड डॉक्यूमेंट में 42 आउट ऑफ 49 स्कोर किया है ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में। अब आते हैं तीसरे और चौथे नंबर पे, जिसमें स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगन एडल्ट सेफ्टी रेटिंग्स में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स में भी ये दोनों गाड़ियाँ 5 स्टार हासिल की है ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में। पॉइंट्स की बात करें तो दोनों गाड़ियाँ ही 29.64 आउट ऑफ 34 एडल्ट सेफ्टी में और 42 आउट ऑफ 49 चाइल्ड सेफ्टी में पॉइंट स्कोर किया है। फिफ्थ पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, जिसने एडल्ट सेफ्टी रेटिंग्स में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स में 3 स्टार हासिल किया है ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में। पॉइंट्स की बात करें तो 29.25 आउट ऑफ 34 एडल्ट में और 28.93 आउट ऑफ 49 चाइल्ड में पॉइंट स्कोर किया है इस गाड़ी ने। उसके बाद सिक्स्थ पोजीशन पर है टाटा की 5, जिसने एडल्ट सेफ्टी रेटिंग्स में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स में 4 स्टार हासिल किया है ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में। अब बात करते हैं पॉइंट्स की, तो 16.45 आउट ऑफ 17 एडल्ट में और 40.89 आउट ऑफ 49 चाइल्ड में पॉइंट स्कोर किया है इस गाड़ी ने। उसके बाद सेवन्थ पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV300। इस गाड़ी ने भी एडल्ट सेफ्टी रेटिंग्स में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स में 4 स्टार हासिल किया है। पॉइंट्स की बात करें तो 16.42 आउट ऑफ 17 एडल्ट में और 37.44 आउट ऑफ 49 चाइल्ड में पॉइंट स्कोर किया है। उसके बाद नंबर 8 पोजीशन पर है टाटा की अल्ट्रॉस, जिसने एडल्ट सेफ्टी रेटिंग्स में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स में 3 स्टार हासिल किया है ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में। इस गाड़ी ने 16.13 आउट ऑफ 17 एडल्ट सेफ्टी में और 29 आउट ऑफ 49 स्कोर किया है चाइल्ड सेफ्टी में। उसके बाद नाइन्थ पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन, जिसने एडल्ट में 5 स्टार रेटिंग्स हासिल किया है और चाइल्ड में 3 स्टार रेटिंग्स हासिल की है। पॉइंट्स की बात करें तो इस गाड़ी ने 16.06 आउट ऑफ 17 एडल्ट सेफ्टी में और 25 आउट ऑफ 49 चाइल्ड सेफ्टी में स्कोर किया है। और अब आखिरी गाड़ी है महिंद्रा की XUV700, जिसने एडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग हासिल किया ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में। पॉइंट्स की बात करें तो 16.03 आउट ऑफ 17 एडल्ट सेफ्टी में और 41.66 आउट ऑफ 49 चाइल्ड सेफ्टी में स्कोर किया है। तो ये था वो 10 गाड़ियाँ जिन्हें ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिला है। और इस क्रैश टेस्ट में इन सभी गाड़ियों की बॉडी शेल स्टेबल पाई गई है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।